हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सूजी का पापड़ बनाना बताएंगे, और जो कि बहुत इजी और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। हमारे वीडियो में तक बने रहिए, और नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सूजी का पापड़ बनाने के लिए। यहाँ पर हम गैस ऑन करके एक बर्तन रख दिए हैं। इसमें हम 6 कप पानी डालेंगे। और इसमें अब हम जीरा डाल देंगे और अजवाइन और स्वादानुसार नमक। और यहाँ पर हम 1 कप सूजी लिए हैं। आप अगर 1 कप सूजी डाल रहे हैं उसी कप से आप पानी डालिए 6 कप। और पानी गर्म हो गया है तो सूजी को डाल देंगे हम, और इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे जिससे इसमें गट्ठी ना पड़े। और इसको हम चलाते ही रहेंगे ऐसे जब तक ये गाढ़ा ना बन जाए। और ये अब बन के तैयार हो गया है, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे। और थाली में लेकर हम इसमें ऑयल लगा देंगे। आप इसमें पॉलीथीन में भी रख सकती हैं पापड़ को। इसे हम कलछुल से निकाल लेंगे सूजी को, और इसी तरह हम फैला देंगे। इसी तरह हम फैला देंगे। जैसे ही हम बची हुई सूजी को दूसरे थाली में भी फैला देंगे। अब इसको हम धूप में रख देंगे, और 2 दिन में पापड़ अच्छी तरह सूख गया है। तो इसको हम तेल में फ्राई करके आपको दिखाएंगे। और तलने के लिए इसमें तेल भी बहुत कम लगता है। तो हम गैस को ऑन कर दिए, और इसके ऊपर हम बर्तन रखेंगे, और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो पापड़ को हम डाल दूंगी। और पापड़ बिल्कुल खुल गया है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। और गैस का आंच हम मीडियम आंच पे फ्लो रखेंगे। इसको तलने में समय नहीं लगता है ज़्यादा। तो बचे हुए हम पापड़ को इसी तरह तल लेंगे। तो पापड़ बन के तैयार हो गया है, और बहुत ही इजी है। और इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और आपको इसको एक तोड़ कम दिखा रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बना है। और हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।